अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है 17 इंच का जी। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर वगैरह दे देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहे। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, क्या इसकी सप्लाई ख़राब है, इसमें क्या वजह है जिसकी वजह से इसके वोल्टेज वगैरह इसमें नहीं आ रहे। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ मेरे बेल आइकन दबा दें। मैं अभी से ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहे। जी अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले तो इसके सप्लाई का वोल्टेज वगैरह चेक करता हूँ, क्या इसकी सप्लाई ख़राब है या आगे को फॉल्ट है, किस वजह से ये अब हमारा सेट नहीं ऑन हो रहा। सर्किट को मैं उल्टा करने लगा हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले तो इसके सप्लाई का वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ठीक है जी। ये 114-115 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके वर्टिकल के लिए वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके रेगुलेटर के लिए वोल्ट आ रहे हैं, ये 8 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट, ये जो इसके 8 वोल्ट है ये इसके काम में, ठीक है जी। इसका ये वाला फ़िल्टर सबसे पहले तो मैं इसका चेंज करता हूँ, क्योंकि 9 वोल्ट तो हमारे रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। ये देख लें आप, इसके 6 वोल्ट हैं, 7 वोल्ट, ठीक है जी, क्योंकि ये इसका वोल्टेज कम है, ये इसके 4 वोल्ट आ रहे हैं, ये 5 होने चाहिए, ये 9 वोल्ट होने चाहिए, क्योंकि इसके बैक से ही वोल्ट कम आ रहे हैं, इसलिए ये इसके वोल्टेज पूरे नहीं हैं। अब ये इसका आस्था से पैसा चार्ज हो चुका है और ये वोल्टेज बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देख लें, अब इसके भी वोल्टेज बढ़ चुके हैं, ये इसका कैपेसिटर डेड फौरन नहीं ऑन करता टीवी को, थोड़ी देर बाद ऑन करता है। जैसे इसका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसके बाद ये सेट हमारे को ऑन कर देता है। सबसे पहले तो मैं इसका ये वाला फ़िल्टर और लगाने लगा हूँ ताकि फौरन हमारा सेट ऑन हो। ये वाला इसका फिल्टर, ठीक है जी, ये वाला इसको आप चेंज करना है। इसकी वैल्यू होगी 16 वोल्ट 470 ये, ठीक है जी। ये अब मैंने इसमें कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है जी। अब ये इसके वोल्टेज मैं आपको दोबारा चेक कराने लगाऊँ, ये देख लें 114-115 वोल्ट है, ठीक है जी। ये वही 27 वोल्ट, ये इसके देख लें 12 वोल्ट हो चुके हैं, जो पहले इसके 8 वोल्ट बाद में 9 वोल्ट हो चुके थे, ठीक है जी। अब ये इसके 12.2 वोल्ट हैं, क्योंकि अब इसके वोल्टेज बरकरार हैं, ठीक है जी। फौरन स्विच लगाने के बाद वोल्ट इसके पूरे रहते हैं। ये इसके देख लें 9.6 वोल्ट और ये 5.2 वोल्ट, और अब हमारा सेट भी ऑन हो चुका है फ्रंट से, ठीक है। मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये सेट तो अब हमारा ऑन हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक और फॉल्ट आ चुका है। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर चेहरे के ऊपर ये स्विंगिंग सी आ रही है, ये वाली, ये इसका ऊपर ऐसा, ये देख रहे हैं ये स्विंगिंग सी, ये ऊपर वाले इससे ऊपर टोटल पर, ये नीचे नहीं है, नीचे हल्की है, ऊपर ज़्यादा है। ये देख लें चेहरे पर ये लिखाई वगैरह इसके ऊपर ऐसा, ये देख लें क्या सेट कर रहा है, डबलिंग सी आ रही है, ठीक है जी। अब हमने ये इसका फॉल्ट ट्रेस करना, ये इसमें कौन से हिस्से का ये फॉल्ट है। टीवी तो हमारा ऑन हो चुका है, ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये स्विंगिंग सी आ रही है इसमें। इसके बाद हमने ये करना है कि इसके ऊपर ये इसका नीचे आ जाता है एक फ़िल्टर 25 वोल्ट के लिए और दूसरा इसके ऑडियो के लिए, ठीक है जी। और ये इसका रेगुलेटर के, रेगुलेटर वाला तो फ़िल्टर हमने पहले इसमें नया लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ये इसका मेन 25 वोल्ट के लिए जो कैपेसिटर लगाया गया, ये इसका वर्टिकल का ये वाले हिस्से का फ़िल्टर है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं फ़िल्टर लगा कर चेक करने लगा हूँ, इसकी वैल्यू कम से कम 35 वोल्ट में होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो वोल्टेज आ रहे हैं ना हमारे इस वर्टिकल के लिए, ये आ रहे हैं इसके 27 वोल्ट, ठीक है जी। अगर हम इस जगह पर 25 वोल्ट का लगाएंगे तो वो फट जाएगा, ठीक है, इसलिए कम से कम इसमें 35 वोल्ट का होना चाहिए। ये मेरे पास है जी 35 वोल्ट में 470 यू है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं अब ये लगाकर चेक करता हूँ क्या इससे हमारा ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। इसके लगाने से हमारा फॉल्ट दूर हो जाता है, मैं अब लगाकर आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी फिटिंग करते हैं। ये अब मैंने इसके ऊपर कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि इसका ये वाली जो थ्रीलिंग थी पहले वाली वो ख़त्म हो चुकी है, स्विंगिंग वगैरह इसमें नहीं आ रही, ठीक है जी। अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है।
ये हमारा फ़िल्टर का ही फॉल्ट मिला है इसमें, जो इसका मेन फ़िल्टर 25 वोल्ट में लगाया जाता है। मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ, ये इसके ऊपर मैंने फ़िल्टर लगाया है, ठीक है जी, इसको चेक करने के लिए। ये अब मैं इसको दूसरी तरफ लगाने लगा हूँ। इसमें मैंने जो पहले फ़िल्टर निकाला वो ये वाला, ठीक है जी, ये वाला। अब मैं इसका ये वाला फ़िल्टर ख़राब है, जो अब मैं इसका रिप्लेस करने लगा और लगाने लगा हूँ। ये अब मैंने फ़िल्टर दूसरी तरफ लगा दिया इसका, ठीक है जी। अब मैं इसकी फिटिंग करने लगा हूँ, उसके बाद आपको फ्रंट्स दोबारा चेक करा देता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है, इसकी आवाज़ भी आ रही है जी, ठीक है जी। अगर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ वाले बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।